नमस्कार दोस्तों, सीएससी डिस्ट्रिक्ट कमेंट बॉक्स सीरीज की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं दोस्तों आज के किन किन लोगों के कमेंट इस वीडियो में शामिल किए गए हैं और उनके जवाब दिए गए हैं। अगर आपका भी कोई कमेंट हमारे वीडियो के नीचे था तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, हो सकता है आपका कमेंट इस वीडियो में शामिल हो जिसका जवाब आपको दिया गया हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो मिलती रहें जो आपके काम के होते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला कमेंट है अशोक कुमार, सर ऑनलाइन का वीडियो बनाइए वृद्धा पेंशन के लिए। तो वृद्धा पेंशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही उपलब्ध है। आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो कर रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला कमेंट है सुनील कुमार, हमने कराया था यार लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं। देखिए कन्या सुमंगला योजना की अगर आपने फाइल ऑनलाइन आवेदन करा दी है और उसके बाद अगर आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और अभी तक आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो या तो आपकी फाइल कैंसिल हो चुकी है या फिर आपकी अभी प्रोसेस में है। एक बात मैं और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके सिर्फ दो बच्चे हैं, दो से ज़्यादा नहीं है। उसमें भी केवल लड़कियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। तीसरे बच्चे की कंडीशन में लाभ तब मिलेगा जब परिवार में दो बच्चे जुड़वा हैं, तब आपको लाभ मिल सकता है तीसरे बच्चे के तौर पर। अन्यथा दो ही बच्चे हों परिवार में तभी आप ये फॉर्म भरें। अगला कमेंट है सौरभ जायसवाल, 5 से 10 साल पुराना पैन कार्ड कैसे रीऑर्डर और रीप्रिंट करें, यदि उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल भी लिंक ना हो उसका भी वीडियो बना दीजिए। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और हमारे चैनल पर भी वीडियो उपलब्ध है, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगला कमेंट है अभिमन चौहान, निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए जिसका उम्र कम है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप उनकी जगह उनके पिता की आईडी लगा सकते हैं या उनकी कोई दूसरी आईडी लगा सकते हैं। उम्र कम है इससे कोई मतलब नहीं है, आप उनका निवास प्रमाण पत्र जैसे और निवास प्रमाण पत्र आवेदन करते हैं उसी तरह से आवेदन कर सकते हैं। आईडी नहीं है तो माता पिता की आईडी लगा सकते हैं, पार्षद का लगा सकते हैं, ग्राम प्रधान का लगा सकते हैं और साथ में मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं। अगला कमेंट है दीपक वर्मा, ऑलराउंडर, सर जो BLS के तरफ से फ्लिपकार्ट की आईडी मिलती है, अगर उस आईडी से कुछ भी ऑर्डर करने पर कमीशन कितना मिला है कैसे चेक करें। तो देखिए BLS जनसेवा केंद्र की तरफ से जो मैंने फ्लिपकार्ट की आईडी ली थी उससे मैंने केवल एक ही ऑर्डर किया है और उसका मुझे कोई भी वॉलेट में कमीशन नहीं दिया गया है, ना तो B2C वॉलेट में और ना ही G2C वॉलेट में मुझे कहीं पर भी कमीशन नहीं दिया गया। लेकिन कमीशन के तौर पर मुझे अपने जो BLS जनसेवा केंद्र की तरफ से फ्लिपकार्ट की आईडी दी गई है उस आईडी में कुछ कॉइन दिए गए हैं और मैंने BLS जनसेवा केंद्र के हेल्प डेस्क नंबर पर बात की है तो उन्होंने बताया कि जो कॉइन आपको मिला वही आपका कमीशन है, तो ये कॉइन के रूप में आपको कमीशन दिया जाएगा। अब ये कॉइन कितने का पड़ेगा ये तो अभी मुझे खुद नहीं मालूम है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगला कमेंट है विजय शंकर, सर ई डिस्ट्रिक्ट UP में पेंडिंग एप्लीकेशन को रिमूव कैसे करें। तो ये कमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। देखिए भाइयों, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप UP डिस्ट्रिक्ट की आईडी चलाते हैं और उनसे आय जाति निवास वगैरह बनाते हैं, तो आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरें और फॉर्म भर जाने के बाद एक बार उसको चेक जरूर करें कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसको पहले सही कर लें, उसके बाद ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, क्योंकि सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन को फॉर्म को रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक सभी फॉर्म भरें। तो दोस्तों यही थे कुछ कमेंट जो मैंने इस वीडियो में शॉर्ट आउट किए हैं। अगर आपका भी कोई कमेंट है या कोई सवाल है तो आप हमारे वीडियो के नीचे टाइप कर सकते हैं, हम आपका सवाल अगले संडे कमेंट बॉक्स सीरीज में लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो की जानकारी और CSE कमेंट बॉक्स सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो मिलती रहें जो आपके काम की होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।